बोल रहा है। बॉबी देओल बोले जी। बोले तुम बेहोश हो गए। मरने से पहले मेरा सारा पैसा आप ले लो। नहीं नहीं नहीं, अरे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अरे डॉक्टर अरे डॉक्टर अरे भाई पिक्चर भी देखनी है मेरी, क्या कर रहे हो? ऐसे मत जाओ, बिना पिक्चर देखे मत जाओ। तुमने जबान दी थी कि फैमिली के साथ आओगे, ऐसा मत करो। ठीक है बाबू जी। अरे अबे, अरे डॉक्टर आएगा अति चाहला, ये एम्बुलेंस कैसी कर रही है? अरे मुफासा तुम घुस गए क्या अंदर? नहीं नहीं बाहर ही हूं। तुम्हारी आधी आधी बॉडी बाहर कैसी है? हां मेरी पाय गुड़ के अंदर है, बाकी सब बाहर है। अरे अंदर फूल लग रहा है मेरे को। अरे डॉक्टर क्या है? अरे डॉक्टर इधर देखो, पेशेंट कैसा घुसा हुआ है। पट्टी मारो पट्टी मारो। अरे डॉक्टर घनश्याम, ये लेके भाई साहब। मुफासा किधर है? घनश्याम पूरा चेहरा काला जादू हो रहा है, पहले बदल किया थोड़ा। मेरा ड्राइवर मेरे साथ है। ड्राइवर जी इधर आ, आपको उठा के लेके जाना है। अबे इसका ड्राइवर कैसे हो सकता है, इतनी खस्ता हालत वाला बंदा है। कपड़े तो देखो इसके। यूनिट नहीं है क्या आपके इधर? सर एरिया क्लियर कर दीजिए, मत उठाइए किसी को। इसका ड्राइवर कैसे हो सकता है मुझे बताओ। इसका इसके कपड़े देखो, चिखलात माके हुए। अच्छा का मुझे लेके चला। दीवार चलो जल्दी जाते हैं। बॉडी को ड्रॉप करो प्लीज, क्लियर दे एरिया। इतनी हार्ड सिचुएशन में वो मेरी बॉडी लेके जा रहे हैं गाइस। लेट होता है थोड़ा, मालूम नहीं कैसे करते। स्लैश कैरी। सुनो डॉक्टर, डॉक्टर भी चकने। अरे डॉक्टर। जी सर। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं तुम दोनों को $5,000 अरे इनको मेरे को बाहर निकालना है प्लीज। अरे मेरी जान, मेरे बाबू, मेरा सोना, मेरा बाबू। सुनो द्वार जी, सिचुएशन चालू है, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ आपको, हट जाइए मेरी जान। वहाँ अंदर खड़े रहिए ना प्लीज, अंदर खड़े रहिए, मस्त चेयर पे बैठिए। बोलिए क्या हुआ था? इन पे गन पॉइंट की उन दोनों ने, ठीक है? फिर वो लोग एक बात बताओगे, वो लोग गाड़ी में बैठे थे या आप लोग गाड़ी में बैठे थे? नहीं नहीं कोई गाड़ी में बैठा। मैं बताता हूँ, सुनो एक मिनट आओ, मुझे एक बताने दीजिए। मैं बस वो जो गाड़ी है ना, अरे वो गाड़ी में देख रहा था, बहुत लग्जरियस कार थी। उन्होंने आके बहुत बदतमीजी से बात की कि यहाँ से निकल, दूर हट दूर हट ऐसा। और मैं गाड़ी देख रहा था तो सीधा मेरे पे गन तान दी। और उसके बाद ताऊ बताएंगे, ताऊ आप बता दो जी। बोलिए। और उसके बाद में एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी, ठीक है सर, हम उस पे गन पॉइंट किए हुए हैं, वो कुल्हाड़ी लेके हमारे पीछे भाग के आ रहा है और हमको मारने की कोशिश कर रहा है, बताइए। वाह ये क्या सीन चल रहा है भाई। और लास्ट एक सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सामने तीनों को उसने कुल्हाड़ी से मारा, मेरे हाथ पूरे मतलब हैंडसअप था मैं। और उसके बाद उसने मुझे हैंडसअप सिचुएशन में मेरे पे वार किया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं सर। तो वहाँ पर आप लोग चार थे, वो लोग ने दो आया, ठीक है, आपने गन पॉइंट करी, फिर भी उनने तुम पे हमला किया। बिल्कुल, विच इज टोटली रॉन्ग, अगेन से ये नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो और सर हमला किया, ठीक है, हमला करके मार देते, ठीक है। बात करने का तरीका इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बात करने का लिहाज चाहिए। इंस्पेक्टर साहब आप जानते हो मेरा नाम मुफासा है, मैं किस तरीके से बात करता हूँ सर आप सबसे। जी अभी मैं आपसे मिला भी था बाहर। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बात करने का तरीका बहुत उनका गलत है, तो आप प्लीज उनको प्रॉपर तरीके से सजा दीजिए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और सर मुफासा हम पॉइंट कर दिए गन, वो कहते हैं कि हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, क्या कर ले कुछ भी करना, जो करना कर ले। अरे वो सुनो, बात करने से याद आया, तुम्हारे में जो धोती वाला है वो बराबर बात नहीं करता है, उसे जरा समझा दीजिए। अरे बॉबी जी वो तो बांदिल की वाली बात है, वो टेंशन मत लो। वो आपके साथ और ये चाचा और ये डेंडिंडम डेंड क्या है डिंडोम्पा और ये प्रोफेसर का डैनी 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 देखो नाम ही कठिन रखा है जवान वर्ल्ड की। एक सेकंड पांडे जी, मुझे बोलने दो अभी। जी 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 वहां पे सिचुएशन पे। ए पांडे रुक जा रे, तू नहीं था, रुक जा। पांडे जी बोले, पांडे जी तुम्हारी भी सासू लेके भागा था क्या मैं?
पांडे पांडे ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है तो हम सही करके देंगे, आपको सॉरी चाहिए हम बुला के देंगे, मैक जैसी आता है हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आप आ जाना पीडी और मेरी जिम्मेदारी है मैं सॉरी बुलवा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे आज ये पुलिस वालों ने क्या खाया मुझे समझ में नहीं आ रहा, कितने बात कर रहे हैं, अटैक आ जाएगा किसी भोले इंसान, कितना बात कर रहे यही लोग हैं। अरे इन्होंने हमको मारा था पागल। बॉबी जी पीछे लो। अरे कॉल जो रेडियो पे। बॉबी जी। अरे सर मेरी बात सुनो। रेडियो पे कॉल जो पीछे लोग हैं वो भाई यही लोग हैं। अरे ये चीफ चीफ ये जो वो लोग मारा था वो यहाँ पे। हेलो चीफ। सर ये लोग राइट में देखो वो है ना एक्सप्लोरर में जो इन्होंने मारा था बोल रहे यही लोग है वो। बॉबी जी सुनो। आप बोलो। अभी भी उन्होंने चलो बे बोला सुना आपने? तुम्हारे घर पे नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारे पप्पा खड़े क्या गेम क्रैश हो गया? अच्छा पहले क्या बात वो बता। अच्छा इंस्पेक्टर साहब देखो इन्होंने ही इन्होंने भी ये सब थे और ये जो लाल लाल कलर का बंदा नहीं है इन्होंने मुझ पे गोली चलाई जब मेरे हाथ ऊपर थे। कौन से वाले थे ये देखो मेरे बाजू में खड़े ना इन्होंने मेरे पे गुलाड़ी चलाई सर और इन सब पे गुलाड़ी चलाई। ये जो थे साउथ अफ्रीकन बाल वाले ये भी थे ये शामिल थे और ये बच्चा है ना ये बाजू में ये छोटा बच्चा ये भी था उनके साथ। जी जी सर। अरे थोड़ा हाइट देख रही आप इस बात पे हैंड्स अप हेलो गाइस हाथ ऊपर करने का फायदा देखा सर गन पॉइंट पे डायरेक्ट की बात करो भाई जाने दो देख लो सर सर बिल्कुल भी पुलिस वालों के सामने भी बात करने की तमीज कम दिखा रहे हैं सर पीछे आए पीछे आप साउथ अफ्रीकन बाल वाले पीछे हो भाई उसको रेसिस्ट नहीं बोलते साउथ अफ्रीका में ये स्टाइल है इसलिए उसको बोल रहे साउथ अफ्रीकन बाल वाले इसमें कोई भी रेसिज्म नहीं है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल रेसिज्म नहीं है सर उसे रेसिज्म नहीं कहते। आराम से मुफ्त गाड़ी में बैठ जाओ। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बॉबी जी आइए शर्माई मत आपकी गाड़ी है बॉबी जी अब तो भाई साहब अजय देवगन जैसा क्यों कर रहे हो पर अरे वो स्टाइल मार रहा हूँ जरा उनके सामने बॉबी जी समझो बात को अरे वो प्रोफेसर का अरे वो देखो वो कैसे पुलिस वाले वो देखो बाहर घूम रहा है गाइस एटीट्यूड कैसा लगा पापा सर वो आपको बुला रहे अभी सीनियर ने बोला आपको वहां जाना पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब सुनिए बोलिए बोलिए अभी जाते वक्त गाड़ी में बैठते वक्त वो जो लोग थे जिनको आपने हथकड़ी पहनाई है वो बोल रहे थे कि सरकार इनकी है ये इनका वगैरह और आपको तो पता है आप कितना रूल को फॉलो करते हो और मुफासा कितना फॉलो करता है तो एज पर रूल जो भी है आप अगर हम मेरी गलती है आप मुझे सीधा जेल में डाल दो और उनकी गलती है तो उनको डाल देना ऐसा कुछ नहीं आपको तो पता है। हाँ वही और मैं कभी अपने खुद के रूल भी नहीं तोड़ता हूँ सर ना आपके आपके रूल आप तोड़ना बस मैं यही बताता हूँ कि बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाकी जो सजा चाहे आप दे सकते हो कोई भी दिक्कत हो तो जी जी मैं बाहर रुकता हूँ आप अंदर जो भी मीटिंग करो और जल्दी से जल्दी यस मैं बाहर राह देख रहा हूँ आपकी मेरे बंदों के साथ ठीक है यस घनश्याम जी जरूर जरूर बाय कमिश्नर जी और टेक केयर घनश्याम जी जरा अपना ख्याल रखना ठीक है मैं आप अपना रखो मैं इधर बाप रे ये बंदे आपके घनश्याम जी खतरनाक तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे हमें पुलिस स्टेशन है यहाँ पे इस तरीके से देखना अलाउड नहीं है। अरे फोटो स्टूडियो नहीं है ये और वो राइट में बंदा जो है वो झांक के क्या देखना चाहता है एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ उनके बंदों का एटीट्यूड देखो ना एक उधर खड़ा है एक भाई घनश्याम जी मुझे भी बोलो आपकी पैंट पे लगा है कीचड़ लेकिन एक ड्राइवर नहीं, नहीं, नहीं। एक मैनेजर एक बैंकर ये सब लेके घूमते हो बहुत इज्जत है बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ डाउन टू कीचड़ हो गए आप फिलहाल मेरे वो बाजू वाली मौसी है ना उनका संडास का चेंबर खराब हुआ था तो मैं चेंबर में उतरा और चेंबर पूरा क्लीन करके जैसे ही लौटा
वैसे सीधा हॉस्पिटल। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। घनश्याम जी आप टेंशन मत लो, अभी हम जरा कार्रवाई, कमिश्नर जी हमें जाना है कहीं पे सर। ओके गनु मैं आता हूँ, गनु भाई मैं आता हूँ, मैं बता रहा हूँ। रुको कमिश्नर आप मुझे देख सकते हो, कमिश्नर साहब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस शोरूम के बाहर मैं गया था, वहां पे मुझे बहुत ही लग्जरियस कार दिखी, ठीक है। मैंने कार देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कार का दरवाजा खुला था, ठीक है। तो मैंने अंदर से झांक के कार देखी, बहुत बढ़िया थी। वो बंदा वो उस कार का मालिक आया, क्या मैंने कर रहे हो, वो मुझे बोल रहे हैं कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब इस तरीके से, ऐसे नहीं कि आप क्या कर रहे हो वगैरह, तू क्या कर रहा है। मैंने बोला कि भाई बहुत बढ़िया कार है आपकी, मजा आ रहा है, अंदर से इंटीरियर वगैरह काफी अच्छा है। फिर गन तानी और मुझे बोला अभी के अभी बाहर निकल। फिर ये लोग आए, फिर थोड़ी सी बातों में उनसे बदतमीजी हो रही थी, फिर हमारी तरफ से भी उनको गन तानी गई, उनकी तरफ से भी गन तानी गई, और पहली गोली किसने चलाई है मुझे पता नहीं है, बट मैं हाथ कंटिन्यूसली अपने हैंड्सअप करके खड़ा था वहां पे, बिल्कुल मासूम की तरह। बाहर कैसे? फिर उस उनमें से एक बंदे ने हमारे मेरे तीन बंदों को तकरीबन ऐसा पेट के नीचे जो उन्हें का फेफड़ा रहता है, फेफड़ा और कलेजी पेटा, हाँ कलेजी पेटा और फेफड़े के एग्जैक्टली बीच में कुराड़ी मारी तीनों को लेटा दिया, और फिर मैंने हाथ ऊपर रखे थे, मेरे बगलों में दोनों तरफ से कुराड़ी मार के मेरे को भी लुढ़का दिया, और फिर से बदतमीजी से बात किया कि किसी को भी बुलाओ पुलिस विलिस को, हम नहीं डरते। और चले एक और चीज इसमें क्या चीज है कि जो कुलाड़ी वाला मारने आ रहा था ना उसपे गन पॉइंट कर रहा था, उसको गन से डर नहीं लग रहा था, ये क्या है सबसे बड़ा। और ये भी बोले कि ये ना पुलिस वालों को क्या बुलाओगे, पुलिस वाले हमसे डरते, ऐसा बोला। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ओके बोले मुझे ये बताइए कि जब वो जब आपने गन पॉइंट की उनके ऊपर, तो वो शोरूम के अंदर थे कि बाहर थे? बाहर बाहर थे सर। अच्छा सब लोग बाहर थे। हाँ सर, पहले गन उन्होंने निकाली, उसके बाद ये मेरे साथ जो बंदे थे उन्होंने निकाली। ओके 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 ठीक है। लेफ्टिनेंट शिवा आपको कुछ पूछना है इनसे? सर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इनका केस थोड़ा। नहीं मैं बताता हूँ, देखिए पुलिस कमिश्नर के लेफ्टिनेंट शिवाजी देखिए कैसा है, शीवा, शीवा। दिक्कत एक ही बात की, अगर वो गन तान के मार भी देते ना दर्द नहीं होता, लेकिन बात करने का जो तरीका होता है ना वो तरीका बहुत ही ज्यादा खराब था। मतलब जैसे तू तड़ाक करके बात करना, सामने वालों को डिसरिस्पेक्ट करना और सामने वाले को अपने से कम समझना, ये बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट यूज की। अभी भी गाड़ी में जब हम पास हो रहे थे, वो बॉबी देओल जी भी हमारे साथ थे, आप इनको भी पूछ सकते हो कि इसने बोला, ताऊ जी ने बोला कि ये देखो ये वही है, तो उन्होंने पुलिस को देख के भी क्या बोला पता है, ए चल 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 निकल इधर से, इस तरीके से बोला। उसके बाद फिर आप सब आए और उनको हैंडकफ किया और यहाँ पे लेके आए, ये पूरी वारदात है, ठीक है। अच्छा तो हम अभी हम जा सकते हैं अभी चीफ सर, इनको जाने बोले। थैंक यू कमिश्नर जी। मुफासा एक सवाल करना है आपसे, ठीक है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए जी। वो जो अभी पता नहीं वो शहर छोड़ दिया, उसका जो है सर फट गया पता नहीं, वो लड़का कह रहा है कि उस वो बोल रहा है क्या आपने उसको बोला कि आपको मुफासा से डरना पड़ेगा, वो भी विदाउट गन पॉइंट, उन लोगों ने बोला हाँ नहीं डरेंगे, तो आपने शूट कर दिया उनपे? सर मैं लास्ट तक मेरे हाथ ऊपर ही थे और गन पॉइंट नहीं है तो सर, नहीं मुझे एक बात बताइए, इस बात में संशय नहीं, क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि गन पॉइंट के बिना हमसे डर नहीं लगता, ऐसे बोला ना जी, जी। और फिर शूट कर दिया, फिर हाथ में गन कहाँ से आ गई बीच में? मुझे लगता है मेरे बगलों से गन फायर हो गई होगी। एक साइड में आएंगे जरा डिस्कस कर लेंगे। आ गया तो याद रहेगा ना खुद का। वो जो बंदा पुशअप मार रहा है ना वो 100% था। यस वो बंदा जो पुशअप मार रहा है ना सर, उसको इतना एटीट्यूड है ना कि 25 बंदों का एटीट्यूड एकत्र करके जब पीड़ा जाए ना तब जो जूस निकलेगा ना तब वो पीता है। सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ चीजें हैं। यस सर बिल्कुल मतलब अगर जरूरत पड़े तो टॉर्चर दीजिए आप, आइंदा से किसी से डिसरिस्पेक्टफुली बात ही ना करें। बर्फ के लाल पे सुनाइए, रिक्शा के टायर में डालो, रिक्शा के नमक उस पे डालो और जरा थोड़ा। नहीं और मेरा पिछले साल मेरे गाड़ी के टायर पंचर हुए थे तो मैंने टायर निकाल के रखे, अगर आपको टॉर्चर देना है तो मैं दे देता हूँ आपको टायर, उसमें डाल के मारो, धो 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 डालो इनको। सर एक काम करते ना, सर एक काम करते सर, देखो पीछे आपको ड्रेस दिख रहा है वो, हाँ बस वो पहना के दौड़ा देते हैं रीजन के सामने। अरे सही है सही है, एक नंबर सही है ना, ये तो सबसे बढ़िया, ये आइडिया बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। ठीक है सर हम देख लेते हैं।
ओके सर, हम अभी निकलते हैं सर. ओके ओके, टेक केयर सर, टेक केयर. जी जी, थैंक यू सो मच सर. अबे तुम्हें कितने बार बोलना पड़ेगा अबे लास्ट जाने के लिए.